हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। हेलो गाइस, तो हम जा रहे हैं आज पनीर लबाबदार बनाने। तो उसके लिए यहाँ पे हमने ले लिया है पनीर, ये अमूल का पनीर है और इसे हम काट के निकाल लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये पनीर निकल गया। अब हम इसके क्यूब्स काट लेंगे। तो आपको एक मीडियम साइज की ऐसे क्यूब्स काट लेनी है। अब हम इसे एक प्लेट में उठा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी हमारी क्यूब्स कटी हुई है पनीर की। अब हम मसाले की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे हम एक मिक्सर जार ले लेंगे और इसमें हम डाल लेंगे दो प्याज। प्याज को हम रफली चॉप कर लेंगे। और इसी के साथ हम दो टमाटर भी काट लेंगे। तो लाल लाल टमाटर लेना है और इसे भी बड़े बड़े पीसेस में काट लेना है। जार भर गया है तो हम इसे दो बैच में पीस लेंगे और अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा अच्छे से टमाटर प्याज का पेस्ट बन गया है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ज्यादा नहीं डालना है। और इसी में हम अपने पनीर क्यूब्स को डाल के हल्का हल्का रोस्ट करेंगे। तेज फ्लेम पे नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे से भून लेना है। तो यहाँ पे हमने पनीर को कुछ ऐसे भून लिया है। कुछ ज्यादा हमें डार्क कलर नहीं देना है, हल्का सा इसका पानी जो होता है उसे हम भून लेंगे। तो ये क्या है, खाने में टेस्टी लगता है। अब हम इस पनीर को एक बॉल में निकाल लेंगे। तो धीरे धीरे करके हम इस बॉल में इसे निकाल लेंगे। इससे क्या होता है, हमारी पनीर जो है वो सॉफ्ट रहती है, स्टिकी नहीं होती है। अब हम इसी कढ़ाई में थोड़ा सा जीरा डाल लेंगे और थोड़ा और तेल, और स्लो फ्लेम पे हम इसे तड़का लेंगे। तेज फ्लेम पे नहीं तड़काना है। तो यहाँ पे हमारा जीरा जो है हल्का सा ब्राउन हो गया है, हमें इसे जलाना नहीं होता है। अब कोई भी सब्जी बनाइए तो तड़के को हल्का सा ब्राउन ही रखिए, जलने के बाद उसका अलग ही खुशबू हो जाता है, यानी कि उसकी अरोमा जो है अच्छे से तेल में नहीं फैलती है। अब इसी में हम डाल देंगे अपना प्याज टमाटर का पेस्ट और इसे अच्छे से भूनेंगे। तो हमें इसे भी एकदम स्लो फ्लेम पे अच्छे से भूनना है। तो गाइस, यहाँ पे कुछ प्याज हमारा ऐसा भून चुका है। इसी स्टेज पे हम डाल लेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें हरी मिर्च भी है। तो इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए भूनेंगे। इसे भूनना बहुत जरूरी होता है। तो जब तक ये भून रहा है, इतने में हमने ले लिया है कुछ मसाले, यानी कि हल्दी, जीरा, धनिया, मिर्च और नमक, और साथ में डाल देंगे हम दही। दही डालने के बाद इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो ये हमारा पनीर के लिए मसाला तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लहसुन, मिर्च, अदरक का पेस्ट भी प्याज टमाटर के साथ भून लिया। आप इसकी कलर देखिए और खुशबू तो आ ही रही है। और इसी पे हम डाल लेंगे अपना दही में मिक्स किया हुआ मसाला और इसे डाल के हम करीबन 8 से 10 मिनट तक ढक-ढक के भूनेंगे। मसाला भूनना बहुत जरूरी होता है, तभी हमारी सब्जियां टेस्टी होती हैं। तो इसे हम ढक-ढक के भूनेंगे। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कुछ मसाला इस तरीके से भून चुकी है, यानी कि ये तेल जो है रिड्यूस हो चुका है। इसी स्टेज पे हम डालेंगे कुछ पनीर जिसे हमने क्रम्बल करके रखा है, ये होममेड पनीर है। तो इसे हम इसी में डाल के और मसाले के साथ अच्छे से भूनेंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है लबाबदार पनीर बनाने में, ये आप जरूर कीजिएगा। तो इसे हम भूनेंगे और इसी के साथ हम डाल लेंगे एवरेस्ट का शाही मसाला पनीर। तो एक पैकेट हम इसमें ये भी डाल देंगे। ये बहुत ही लजीज सब्जी बनने वाली है, बच्चे बड़े तो बहुत पसंद करते हैं इसे। आप पूरी पराठा के साथ खाइए या चावल के साथ खाइए, नॉन के साथ खाइए या लच्छा पराठा के साथ खाइए। तो हम अच्छे से इसे ढक ढक के भून लेंगे।
गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ग्रेवी कितनी लबाबदार हो गई है और मसाला अच्छे से भून चुका है। इसी से स्टेज पे हम डाल लेंगे अपनी पनीर। तो पनीर हम पानी के साथ ही डालेंगे क्योंकि हम ग्रेवी को जब उबालेंगे तो ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन हमारी सब्जी बनके तैयार होगी। तो हमें एक दो उबाल इसमें अच्छे से आने देना है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे हमारी पनीर जो है आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया, कितनी ठीक ग्रेवी वाली लबकदार पनीर बनी है। बस अब हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है, न ही कस्तूरी मेथी और न ही हरा धनिया, क्योंकि सारे मसाले में ऐड रहते हैं। तो हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो गाइस चलिए हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है गर्मा गर्म गेहूं की रोटी और साथ में हमने काट लिया है प्याज का स्लाइस और अब हम इसमें डालेंगे अपना लबाबदार पनीर जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही प्यारा कलर आया है जिसमें ना कोई फूड कलर है ना कुछ एक्स्ट्रा है। तो गाइस ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।